हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सिर्फ एक ही शेयर से रिलेटेड बातें, एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये शेयर आज के दिन तो बहुत गिर चुका है, उसी के साथ साथ ये शेयर और भी आगे फ्यूचर में गिर सकता है। सो डेफिनेटली अगर ये गिरावट होने वाली है तो क्या इस शेयर में हम लोगों ने एग्जिट लेना चाहिए, या फिर इस शेयर को एवरेज करना चाहिए, या फिर इस शेयर ने एंट्री लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात इस वीडियो में करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहली बात, अगर गिरावट हो जाती है तो आप लोगों के दिमाग में अभी एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि ये गिरावट इंटरनल वजह से है या एक्सटर्नल वजह से है। तो इसी को हम लोगों को कवर करना है, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि अगर वो गिरावट इंटरनल वजह से कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हम लोगों ने ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए, वहाँ से निकलना चाहिए, या फिर अगर वहाँ पे जो गिरावट है वो एक्सटर्नल कुछ चीज़ें हो गई उसकी वजह से, सो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में हम लोगों को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, एंड उस शेयर का नाम है एशियन पेंट। सो दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हम लोग कह सकते हैं, 40 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट 1750 पे यहाँ पे एशियन पेंट ने क्लोजिंग दे दी है। सो आप देख सकते हैं शेयर प्राइस में एक बहुत ही गिरावट है, एंड एशियन पेंट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, निफ्टी 50 पे आने वाला स्टॉक है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, बहुत ही अच्छा है। सो निफ्टी 50 को नीचे जाने के लिए भी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आज इसने बहुत ही अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये गिरावट की वजह क्या है, तो वही हम लोग कवर करने वाले। हम लोग ज़्यादा उस न्यूज़ के अंदर नहीं जाने वाले, बट उस न्यूज़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें उसी को हम लोग कवर करने वाले। एंड वो न्यूज़ है दोस्तों, जो US ने एयर स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर, इसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। आप सभी लोगों को पता है अभी ऑयल के प्राइजेस बहुत ही हाइक हो चुके हैं, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि एशियन पेंट ये अपने प्रोडक्ट बनाती है, वो जो प्रोडक्ट के जो मटेरियल यूज़ करके वो प्रोडक्ट बनाती है, जो पेंट बनाती है, उसके दाम अभी बढ़ चुके हैं। सो डेफिनेटली इस कंपनी को नुकसान होने वाला है, तो उसी के कारण हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले भी दोस्तों ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी, एंड वो एग्जांपल था सऊदी अरेमको के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, तो तभी भी एशियन पेंट के शेयर में हम लोग को बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जो कि अभी वापस यहाँ पे रिपीट होती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर वो वाला वीडियो अगर आपको याद रहेगा, तभी मैंने जो सजेशन दिए थे, अगर आप उसको भी फॉलो करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने इस शेयर में क्या करना चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी सऊदी अरेमको के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था तभी इस शेयर का प्राइस चल रहा था 1500 के आसपास, तो तभी भी मैंने कहा था कि इस शेयर में आप लोगों ने होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल न्यूज़ है, एक्सटर्नल न्यूज़ के कारण ये हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को बताइए, एक्सटर्नल न्यूज़ की जो इम्पैक्ट रहती है वो टेम्पररी होती है, वो पूरा लाइफ टाइम नहीं चलने वाला होता है। इंटरनल बहुत ही डेंजरस होता है, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि इंटरनल गड़बड़ के वजह से पूरे खत्म हो जाते हैं। सो डेफिनेटली तभी आप देख सकते हो जो 1500 में शेयर था जब सऊदी अरेमको के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, बाद में अभी आप देख सकते हो शेयर तो 1800 के ऊपर भी जा चुका था। सो यही कहना चाहूँगा कि ये एक्सटर्नल न्यूज़ है दोस्तों, एंड आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए। सो ऑलरेडी जिन लोगों ने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उनको एक ही काम करना है, इसको होल्ड रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक गिर नहीं सकता, डेफिनेटली और भी गिर सकता है, बट इससे कोई कंपनी का बिजनेस खराब नहीं होता है, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे ही रहने वाले, थोड़ा सा 19-20 का इफेक्ट होगा जो कि एक नॉर्मल आम बात होती है। सो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो अभी US एंड ईरान के बीच जो गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, जो एयर स्ट्राइक उन्होंने किया है, वो अभी बहुत ही लंबा भी खींचा जा सकता है, तो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि एशियन पेंट जैसा अच्छा स्टॉक आप लोगों को और भी नीचे मिलने की पूरी आशंका है। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा मौका है, जो कि हम लोगों ने सऊदी अरेमको के ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ था तभी भी हम लोगों ने ग्रैब किया था, तो वैसे अभी भी आप इस मौके को ग्रैब कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं वापस थोड़ी देर के बाद आऊँगा, बट सबसे पहले हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो सो 5 दिन के चार्ट पैटर्न में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 1 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 महीने में भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर बात करें तो 1720 पे पहले ये शेयर चलता था, 1 महीने की बात है। 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं इस शेयर में 1 साल मतलब 1385 पे ये शेयर चलता था, एंड 1 साल की रिटर्न की बात करें तो आपके सामने 26 से 27% के रिटर्न 1 साल में इस कंपनी ने दे दिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ 5 साल की भी बात कर ले तो आप देख सकते हो 812 पे ये शेयर चलता था, एंड 5 साल में इस कंपनी ने 115% के रिटर्न दिए दोस्तों। एंड उसी के साथ साथ ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न यहां पे देख लेते तो
सो ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन है, जो आप देख सकते हैं किसी अप ट्रेंड में चल रहा है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जो कि हमेशा स्टॉक मार्केट में होता रहता है। सो यही कहना चाहूँगा, ये निफ्टी 50 में आने वाला स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एंड जो ये गिरावट है कंपनी में इंटरनल इशू नहीं हुआ है, ये एक्सटर्नल इशू के कारण है, जो इसका हम लोग कह सकते हैं एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हैं। सो आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। तो चलिए और भी थोड़ा सा आगे जाते हैं, एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1750 पे स्टॉक चल रहा है, इसका 52 वीक हाई आप देख सकते हो लगभग 1850 के आसपास का है, 52 वीक लो की बात करें तो 1300 के आसपास का इसका लो है। उसी के साथ साथ आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात देखते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों 35% से ज़्यादा लोगों ने ये शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। तो चलिए कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो उनके रिजल्ट देखने पड़ेंगे, तो रिजल्ट में ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो जो क्वार्टर वन के रिजल्ट थे 65,000 थे, क्वार्टर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर सकते हैं, पहले क्वार्टर वन 65,000, क्वार्टर टू के 79,000। सो कंपेयर करोगे तो रिजल्ट बेहतर ही है अप ट्रेंड में। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप डिविडेंड भी चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी हमेशा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हमेशा कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है, जो कि उसने 2019 में भी यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी आ जाते हैं, तो आप देख सकते प्रमोटर के ऊपर 52% के शेयर इनके पास है। तो और डिटेल में अगर हम लोगों को देखना है तो यहाँ पे प्लेजिंग भी देख लेते, जो बहुत सारे लोग डाउट पूछते। 11% के शेयर प्रमोटर ने यहाँ पे भी रखे हुए, तो डेफिनेटली दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ये परसेंटेज जब 25% के ऊपर चला जाता है तब वो शेयर रिस्की हो जाता है। सो 11% इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इसीलिए ये कंपनी का शेयर अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग से रिलेटेड ही हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही है, 50% से ज़्यादा के वो शेयर होल्ड करते हैं। उसी के साथ साथ प्लेज कितना किए, जो कि अभी दिखा है 11.88% के। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे लगभग 5% की है। फॉरेन निवेशक की बात करें तो 847 FIs इस कंपनी में अपना निवेश करके बैठे हुए, एंड परसेंटेज की बात करें तो लगभग 17% की होल्डिंग फॉरेन निवेशक की है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एंड प्रमोटर्स भी देना, हाईएस्ट होल्डिंग भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसी के साथ साथ हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की भी बात करें तो लगभग 5% के आसपास है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 11-12% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर की इस कंपनी में है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत बड़ी है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन निवेशकों का स्टेक भी बहुत ही डिसेंट है। तो चलिए दोस्तों और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। सो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो बैलेंस शीट चेकआउट करेंगे। सो एशियन पेंट की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स, सबसे पहले रिजर्व्स चेक करेंगे, 7,700 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि नेक्स्ट साल 8,700 करोड़ से ज़्यादा हो चुके, 1,000 करोड़ तक के रिजर्व इस कंपनी के बढ़ चुके। अगर कर्जे की बात करें तो वो भी चेक कर लेते, तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी का, तो कर्जा बहुत ही मामूली सा है। इस साल की बात करें तो 15 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है, जो कि बहुत ही कम है एज पर द उसकी साइज, उसका बिजनेस के हिसाब से। एंड अगर कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस 120 करोड़ का पिछले साल था, इस साल 167 करोड़ का भी हो चुका है। सो ओवरऑल बैलेंस शीट भी हम लोग कह सकते हैं कंपनी की ठीक ठाक है, ऐसी कोई बैलेंस शीट नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एंड कंपनी से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री वाली बातें भी देख लेते हैं कि कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है। सो दोस्तों आपके सामने ओपन हो चुका है, कंपनी ने आज तक कुल मिला के 4 बार बोनस दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ओवरऑल कंपनी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाली है, कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली है, एंड उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे ये कंपनी कितनी बार डिविडेंड देती है। सो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे एंड डिविडेंड हिस्ट्री में, तो आप इस अनाउंसमेंट डेट मतलब यहाँ पे ईयर के ऊपर आप नज़र रख सकते हो 2019। उसी के साथ साथ मैं और स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हो 2018 में 2 बार, 2017 में 3 बार, 16, 15, 14, 13, 12, 11, अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे चेक करोगे तो 2000 से कंपनी ने मतलब लगभग 20 साल हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 19 से 20 साल कंपनी ने आज तक अपना डिविडेंड यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं किया, एंड अपने शेयर होल्डर को वो जो डिविडेंड पहले से देती चली आ रही है साल में 2 बार, वैसे ही डिविडेंड ये कंपनी अभी भी पे करती है। सो ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो डिविडेंड हिस्ट्री हो, चाहे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हो, वो भी हम लोगों ने चेकआउट किए, वो भी पॉजिटिव थे। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो गिरवी रखे हुए शेयर थे, वो भी हम लोगों ने चेक किए कि 25% के तो नीचे है। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखी हुई है। फॉरेन निवेशकों की बात करें तो लगभग 16-17% वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड भी लगभग 5% तक का स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो ये कंपनी में हम लोगों को जो ये गिरावट देखने को मिली है, तो इस गिरावट से आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए दोस्तों, ये गिरावट बहुत ही टेम्पररी है, एंड ये एक्सटर्नल न्यूज़ के कारण है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेन में हम लोग चेकआउट कर लेते कि इस कंपनी के ऊपर मतलब क्या रेसिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है। हालांकि अगर हम लोग देखते तो आप सभी लोगों को पता है, मैं एक बात ज़रूर आपको मेंशन करता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है अगर कोई न्यूज़ एकदम नेगेटिवली आ जाती है तो अभी आप देख सकते जिस तरीके से ये न्यूज़ सामने आई तो सारे टेक्निकल एनालिसिस ध्वस्त हो गए। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ तो कर लेते कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है कहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिलहाल तो प्राइसिंग हम लोगों का इधर का ही दिख रहा है। एंड सबसे पहले अगर सपोर्ट जोन की अगर हम लोग बात करें तो वो 1740 पे ही सपोर्ट जोन है ऐसा दिखा रहा है। बट उससे भी बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन अगर हम लोग कहें जो कि ओआई यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग बिल्टअप है, तो वो 1700 का लेवल यहाँ पे बता रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ट 1700 का लेवल टूटना नहीं चाहिए ऐसा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे बता रही है। एंड अगर रेसिस्टेंस की बात करें जहाँ पे ओआई सबसे ज़्यादा बिल्ट है तो वो 1800 का लेवल है। सो कंपनी को 1800 का लेवल तोड़ते हुए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। बट जैसे मैंने कहा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का रहने वाला है उन लोगों के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये टेम्पररी जो चार्ट पैटर्न रहते हैं एक दिन का, पाँच दिन का, एक महीने का, वहाँ पे हम लोगों को गिरावट दिखती है। बट जैसे आप एक साल का, पाँच साल के चार्ट पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे हम लोगों को एक ही देखने को मिलता है कि आप अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक आप लोगों को क्या अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर देते हैं। तो सबसे पहली बात, जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है उन लोगों को यही करना है, होल्ड रखना है। क्या इसमें एवरेज किया जाए तो आप यहाँ पे और नीचे ये शेयर आ जाते, जैसे कि 1700 का लेवल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बताया। एंड 1740 अगर ये लेवल टूट जाता है एंड इसके नीचे आता है एंड 1700 के बीच में ये ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ पे आप एक बार नॉर्मल क्वांटिटी उठा सकते हो। नॉर्मल क्वांटिटी मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी उठा सकते हो। उसके बाद अगर 1700 का लेवल 1700 का लेवल क्रॉस हो जाता है सो डेफिनेटली ये शेयर और भी नीचे आएगा एंड तब आप हेवी क्वांटिटी उठा लेना। मैं खुद भी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने इसमें क्वांटिटी उठा लेनी चाहिए। बट यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप चाहो तो फिलहाल एक क्वांटिटी भी उठा सकते हो, उसके साथ शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इसके ये ऑल टाइम हाई से 1850 का इसका ऑल टाइम हाई था जो कि अभी हम लोगों ने देखा, तो उससे ये 100 रुपया सस्ता हो चुका है। सो अगर आप चाहो तो शुरुआत एक स्टॉक से भी कर सकते हो जो कि सेफ शुरुआत रहेगी। एंड ये स्टॉक में और भी गहरी गिरावट होती है तो आप अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। क्योंकि ये स्टॉक तो कोई खत्म होने वाला नहीं है, आगे फ्यूचर में आप 5 साल का लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड ऑफ एन होल्डिंग रखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देने वाला स्टॉक है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि इसके लॉन्ग 5 साल की जर्नी में 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, बीच में ये शेयर 27% भी गिर चुका था एक बार। अगर हम लोग और भी आगे डीप में चेक करें तो यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक लगभग 17% के आसपास टूट चुका था जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सो ओवरऑल कहने की बात क्या है दोस्तों, ये 27% की गिरावट, ये 17% की गिरावट, उसके बाद वापस ये शेयर 17% टूट चुका था, तो ये गिरावट हमेशा होती रहती है दोस्तों। सो इससे डरने का नहीं, बट अगर आपका नज़रिया 5 साल का है तो आप खुद ही देख सकते हो कि आपका रिटर्न है वो बहुत ही ओवरऑल शानदार रहने वाला है। तो यही कहना चाहता हूँ, जो लोग भी इस स्टॉक में निवेश करने वाले प्लीज़ टेम्पररी सोर्स के लिए मत आना, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहेगा तो ही ऐसे स्टॉक में निवेश करना, तो एक आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।